जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय मिशन एनएचएम के कर्मचारी जो विगत 13 दिनों से अपनी हकी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए थे, वहीं जेआरके के राज्य स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के चलते एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। ज्ञात हो कि एनएचएम के तमाम कर्मचारी पिछले लंबे समय से रहती अपनी जायज मांगों के हक में 13 दिनों से हड़ताल पर चले गए थे, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका काफी असर पड़ने लगा था। वहीं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय मिशन एनएचएम के प्रधान फैजान ए ट्रम्बो ने यूजे न्यूज के पत्रकार को बताया कि स्वास्थ्य मंत्री व अधिकारियों द्वारा उनकी जायज मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया है और उनकी हड़ताल आज से खत्म हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 13 दिनों से हम मुसलसल स्ट्राइक पर थे एंटायर जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी, और हमारी जो मेन डिमांड थी, हमारी मेन डिमांड यही थी कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी कोई पॉलिसी जो है वो प्रमोट की जाए। और उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग आई थी रिसेंटली, ये इक्वल पे और इक्वल वर्क, हमें उस पर वो लागू किया जाए। और उस पहलू को देखते हुए 13 दिन से हम स्ट्राइक पे थे और पिछले एक दो दिनों से हमारा जो था ये नेगोशिएशन यहाँ की सरकार के साथ बिल्कुल सोशल मंत्री के साथ चल रहा था, और कल हमारा जो एक वफद उनके साथ मिला और वहाँ पे एक कमेटी जो है फाइनली तश्कील की गई है, और उसमें जो बॉडी वहाँ पे तश्कील की गई है वो हमारे जो इश्यूज को है वहाँ पे देखेगी, और उन्होंने 15 दिन का जो है टाइम लिया है, तो उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ वो जो है अपनी स्ट्राइक जो है वो कार्ड ऑफ करेंगे, हम उसे सस्पेंड करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि स्टेबिलिटी टाइम में जो यहाँ की सरकार जो है हमारे जो इश्यूज है उसके गौर फिक्र करने की कोशिश करेगी। और अभी तक फिलहाल हमने जो अपनी स्ट्राइक है उसे सस्पेंड किया है और हम उम्मीद करेंगे कि टाइम बॉन्ड में इसे पूरा किया जाए। इनकेस हमारे इश्यूज को टाइम बॉन्ड पीरियड में भी रिड्रेस नहीं किया जाएगा तो हम अपना जो एजिटेशन है कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री बालिक भगत जी, MOS हेल्थ आसिया नकाश जी, और कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर एम के भंडारी और मिशन डायरेक्टर मोहन सिंह जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये पॉजिटिव रिस्पांस जो उन्होंने हमें दिया है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे लिए वो साबित हो। अगर फिर भी उनकी जायज मांगों को पूरा ना किया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन कर सरकार की ईंट से ईंट बजाने पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूजे न्यूज के लिए जम्मू से ब्यूरो रिपोर्ट।